एडमिशन ओपन ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन GSCE कैंपस NH 26 नरसिंहपुर रोड मकरोनिया सिरोंजा सागर मध्य प्रदेश। मैं शमशाबाद के राजू टी स्टॉल पर हूँ। शमशाबाद सागर संसदीय क्षेत्र की आखिरी विधानसभा है। मैं लगातार चुनावी यात्रा लेकर सागर संसदीय क्षेत्र में चला हूँ और मैं उस मकाम पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर आखिरी जो जगह है वो विधानसभा है, वो है शमशाबाद। शमशाबाद में मेरे साथ हैं राजू टी स्टॉल वाले। ये इनकी बड़ी फेमस दुकान है। जब मैं यहाँ पर कवरेज कर रहा था लोगों ने कहा कि साहब वहाँ ज़रूर जाइएगा। तो राजू भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज पर। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके पास चाय पीने के लिए आते हैं, क्या ओपिनियन निकल के आ रहा है आपके पास इस वक्त चुनाव को लेकर? यहाँ का अभी तो कुछ नहीं आ रही है भाई साहब। क्यों लोग यहाँ पे आके बात करते हैं, आप सुनते हैं, आपसे भी बात करते होंगे कौन हार रहा कौन जीत रहा, किसका पल्ला भारी है किसका पल्ला बहुत भाई साहब क्या लगता है आप है? बहुत मोदी जी चिल्लाते हैं साहब सब लोग। हाँ क्यों दादा, ये तो मोदी का कह रहा है। माहौल तो मेरे लाल भाई साहब बराबर है, वह तो थोड़ा बहुत आगे पीछे है। हाँ। चलता रह रहा है। चाय यहीं पीते हैं यार। हाँ इस बार तो चाय खूब चली थी, इस बार चलेगी कि नहीं? नहीं चलेगी, मोदी जी की चलेगी। क्या नाम है आपका? ये नौजवान लोगों से बात, क्या नाम है? मेरा नाम राकेश धाकड़। राकेश धाकड़ जी क्या करते हैं? मैं करता हूँ जी पुट्टी और जी टेक्चर वगैरह। अच्छा तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको? चुनाव में लग रहा मोदी जी को ही कहा कि भाई 2 लाख रुपया बारे में सूतिया बना दो, भाई 2 लाख माफ़ करवे हो रही थी भाई माफ़ नहीं भाई, आदमी खाली मोदी मोदी चिल्ला रहा है, मोदी मोदी चिल्ला रहा है। क्या नाम है आपका? सोनू साहू। क्या करते हैं आप? मेरी जॉब है, MPWLC में हूँ। क्या लग रहा चुनाव में, क्या लग रहा? मोदी जी मतलब किसी भाजपा के प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है नरेंद्र? कोई मतलब नहीं, मोदी इस मतलब है, उसने जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा। किसने क्या काम किया जरा बताओ? मोदी ने जो जवानों की वो मृत्यु हुई थी ना, उसने जो बदला लिया है वो बहुत शानदार लिया है। भाईया सोनू विश्वकर्मा, मैं किसानों के लिए मोदी जी ने बहुत फायदा दिया है, लेकिन गुजारिश करते हैं वो आगे ही फायदा देंगे और एक जो पंजीयन वाले सिस्टम है इसे सुधार किया जाए इसमें, और ये अगर चना वाला पंजीयन कब चालू हो रहा है कब नहीं चालू हो रहा है इसका थोड़ा मैटर देख लें। किसान को ज़रूरत है आज, मैटर बन रहा है कल खरीदेंगे। क्या नाम है भैया आपका? तो नहीं कलेक्टर यादव। अरे क्या नाम है? कलेक्टर यादव जी 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 जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या करते हैं कलेक्टर जी? जी किसानी करते हैं जी। किसानी करते हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी जी लग रहे हैं हमारे लिए? तो क्यों मोदी जी ने क्या किया? अरे मोदी जी ने सब कुछ किया है, रहने के लिए मकान दिए हैं और सब कुछ मोदी जी का ही है और क्या है। अच्छा जी तो कलेक्टर साहब चाहते हैं कि अब जो है मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बनना चाहिए? जी फिर से बनेंगे। अच्छा। और जनता उन्हों की चाहती है उन्हों के लिए। अच्छा जी मतलब आपका भाजपा प्रत्याशी को पहचानते हो कि नहीं पहचानते आप? जी अभी हमारे लिए मिले ही नहीं है, वे कहाँ से पहचानेंगे, लेकिन आप जो है दोगे वोट भाजपा को ही? जी ठीक है। सागर संसदीय क्षेत्र का ये शमशाबाद इलाका, यहाँ पे लोगों से कहीं से बात की, यहाँ पर साफ तौर पे मोदी लहर नज़र आती है। लोगों से मैंने कहीं से बात की लेकिन उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नाम क्या है? कमल सिंह। क्या करते हो कमल सिंह? मजदूरी करते हैं। कितने कमाते हैं? 200-250 रुपये बस काम चल जाता है? चल जाता है काम। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? बनना चाहिए। क्या फायदा मिला तुम्हें? बहुत फायदा मिला सर, बहुत फायदा बहुत मिला। कितनी हो गई मजदूरी? मैंने 250 माना, फायदा बहुत मिला है। क्या मजदूरी तो मिल रही, गरीब आदमी का जब पहला नहीं मिलती थी, अब मजदूरी परमानेंट मिल रही। अच्छा लोगों का कहना है मजदूरी नहीं बढ़ी है लेकिन नरेंद्र मोदी से बहुत फायदा हुआ। फायदा बताने में जरा थोड़ी प्रॉब्लम है, या यूँ कहें कि फ़ायदा बता नहीं पा रहा, या यूँ कहें कि कहते हैं वो कुटीरें बनी हैं और मजदूरी ठीक करने पे मिल रही है। पेशकश में इतना ही शुक्रिया। एडमिशन ओपन ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, सभी महत्वपूर्ण ब्रांच उपलब्ध। इंजीनियरिंग में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर साइंस। एजुकेशन में BSc, BEd, डिप्लोमा में सिविल, इलेक्ट्रीशियन। सर्व सुविधा युक्त लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक, बॉयज हॉस्टल, घर जैसी सुविधा, कैंटीन, आउटडोर इंडोर गेम्स, मेडिकल सुविधा उपलब्ध। शहर के कोने कोने से बस सुविधा उपलब्ध। सर्वश्रेष्ठ कंपनी के साथ टाई अप, 100% प्लेसमेंट। तो अपने सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें GSCE कैंपस NH 26
नरसिंहपुर रोड मकरोनिया सिरोंजा सागर मध्य प्रदेश।